राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका हमारे नाम का ज्ञान बाय अंजलि पांडे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। यदि मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। आज मैं बताऊंगी आर अक्षर के लोग कैसे होते हैं। आर अक्षर के लोगों का सन 2024 का साल कैसा रहने वाला है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुने। आर अक्षर के नाम वाले लोग हंसमुख स्वभाव के होते हैं, जिस वजह से लोग इनके प्रति जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं। ऐ लोग किसी के भी साथ बड़ी जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं। इस नाम के लोग दोस्ती बहुत प्यार से और बड़ी ही शिद्दत के साथ निभाते हैं। आर अक्षर के नाम वाले लोगों को पल पल में प्यार हो जाता है, क्योंकि इनका भी आकर्षण दूसरों की तरफ बहुत ही जल्दी हो जाता है, क्योंकि इनका स्वभाव चंचल होता है। चंचल स्वभाव के कारण यह किसी के भी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ज्योतिषी गणना के अनुसार जीवन में नाम का बहुत ही महत्व होता है। व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर बहुत ही मायने रखता है। आपको बता दें, ऐसे में हर अक्षर के लोग में अलग अलग तरह की खूबियां होती हैं। एक जैसी खूबियां कभी भी किसी भी व्यक्ति में नहीं होती हैं, कुछ न कुछ अलग सब में होता है। आज हम आपको आर अक्षर के लोगों का स्वभाव कैसा होता है ऐ बताने जा रही हूँ। आपको बता दें कि आर अक्षर वाले लोग बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। आर अक्षर के नाम वाले लोग बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। आर अक्षर के लोग दिखने में आकर्षक होते हैं। यह लोगों को अपनी तरफ बहुत ही जल्द आकर्षित कर लेते हैं। इस नाम के लोग समाज की सेवा के लिए भी हमेशा आगे रहते हैं, और आगे ही नहीं रहते हैं बल्कि यह समाज सेवा करते भी हैं। आर अक्षर यानी आर अक्षर नाम वाले लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है। आर अक्षर विशेष रूप से शुभ माना जाता है और सफलता से जुड़ा होता है। तुला राशि भाग्यशाली अक्षर वर्णमाला के कुछ अक्षर तुला राशि के जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इनका मई का महीना 2024 कैसा रहने वाला है। मई का महीना शुरुआत में कुछ कष्टदायी रहेगा, परंतु 15 मई के बाद 16 मई से लेकर 31 मई तक का समय अनुकूल रहेगा। यात्रा करने का सहयोग बनेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कोई विशेष मनोकामना भी पूर्ण होगी। आपको चाहिए कि अपने दिल की बात किसी से भी शेयर ना करें। यदि आप अपने दिल की बात किसी से भी शेयर करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। बात करें आपके प्यार की तो सामान्य रहने वाला है। आपकी जो लव लाइफ है वह सामान्य रहेगी। नौकरी पेशा वाले लोगों का प्रमोशन हो सकता है। बात करें आपके शुभ रंग की तो आपका शुभ रंग केसरिया और क्रीम कलर रहेगा। बात करें आपके शुभ दिन की तो आपका शुभ दिन बुधवार शुक्रवार रहने वाला है। बात करें आपके शुभ दिनांक की तो 9/11/21 रहेगा। कर लें एक छोटा सा उपाय जिससे सब कुछ हो मंगल ही मंगल। बुधवार के दिन श्री गणेश जी विघ्न विनाशक विघ्नहर्ता मंगल मूर्त गजानन श्री गणेश जी की पूजा उपासना अर्चना आदि करें, जिससे मिले आपको ढेरों खुशियां। बात करें आपके लव लाइफ की तो आपकी लव लाइफ अनुकूल रहने वाला है। कुछ खट्टा तो कुछ मीठा रहेगा। अगर आप जिससे प्यार करते हैं उससे विवाह करना चाहते हैं तो शिवालय जाकर शिव जी पार्वती जी को गुलाब का पुष्प प्रतिदिन चढ़ाएं, जिससे आने वाली बाधाएं दूर हों और आपका प्रेम विवाह आपके प्यार के साथ हो सके। वह शिव शक्ति की कृपा से दूर हो जाएगी। आप मेरी इस बात को अपने जहन में बसा लें, बिल्कुल सत्य है। आप अपने अनोखे अंदाज की वजह से लोगों के दिल में आसानी से जगह बना लेते हैं। आप कुछ इस प्रवृत्ति के भी हैं, सीधा बोलो मुंह पर बोलो, जो होगा वह देखा जाएगा। पर आपको झूठ से सख्त नफरत है।
और आपका भाग्य उदय जो होता है, बात करें आपके भाग्य उदय की, तो आपका भाग्य उदय 32 वर्ष के बाद ही होता है। 32 वर्ष से लेकर 42 साल की उम्र तक आप वह सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो एक गृहस्थ में रहने वाले इंसान को हासिल करना चाहिए, फिर वह चाहे महिला हो या पुरुष। मित्रों, यदि मेरी दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।